नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवी डॉक्टर अनामिका अहिरवार, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टेक द लेक्चर ऑन द टॉपिक ट्रिगर्स। इन डेटाबेस ट्रिगर इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज प्रोसीजर ओके दैट इनिशिएट एन एक्शन action it may be fires an action like okay and when an event is what like insert delete or update okay when an event occurs to koi bhi cheez jab ho rahi hoti hai us samay koi ek chota sa ek initiative action lete hain okay to means trigger karna to usko wahan pe kaha jata hai dpm pe triggers theek hai action hamare kaun se hote hain ki सॉरी इवेंट कौन सा होता है जैसे इंसर्ट हो कर रहे हो डिलीट कर रहे हो अपडेट कर रहे हो हाँ और चूँकि ट्रिगर्स आर इवेंट ड्रिवन स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर तो दे आर स्टोर्ड इन एंड मैनेज्ड बाय द डीबीएमएस और ट्रिगर कैन नॉट बी कॉल्ड और एग्जीक्यूट ट्रिगर को कॉल नहीं किया जाता है एग्जीक्यूट किया जाता है ठीक है ये ऑटोमेटिकली क्या फायर होते हैं जैसे कि जब आप डेटा को मॉडिफिकेशन कर रहे होते हो किसी भी एसोसिएटेड टेबल में ठीक है तो ट्रिगर्स का जो इस्तेमाल होता है किसके लिए होता है टू मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ डेटा बाय चेंजिंग द डेटा इन अ सिस्टमेटिक फैशन तो ईच ट्रिगर इज अटैच टू अ सिंगल स्पेसिफाइड टेबल इन द डेटाबेस अब ट्रिगर्स कैन बी व्यूड एज सिमिलर टू स्टोर्ड प्रोसीजर्स इन दैट both consist of procedural logic that is stored at the database level and stored procedures kya ho gaya hamara however these are not event driven okay and these are not attached to a specific tables as triggers are theek hai aur stored procedures aapka explicitly execute hote hain invoke ke dwara kisi bhi call ke invoke ke mein theek hai अब जब जो क्या बोलते इन एडिशन इसके अलावा जो क्या होता है ट्रिगर्स जो स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं इसके लिए भी एग्जीक्यूट होते हैं तो ट्रिगर्स में आप इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आप ट्रिगर को फायर कह सकते हो क्योंकि इसमें जो डेटा मॉडिफिकेशन होता है उसका वो क्या होता है कि उसकी वजह से वहाँ जहाँ आप कर रहे होते हो उसकी वजह से वहाँ पे भी दूसरा डेटा मॉडिफिकेशन हो रहा होता है देयर बाय फायरिंग अनदर ट्रिगर तो अ ट्रिगर क्या होता है दैट कंटेन्स डेटा मॉडिफिकेशन लॉजिक विद इन इट्सेल्फ इज कॉल्ड अ नेस्टेड ट्रिगर तो एक जगह हो रहा होता मॉडिफिकेशन दूसरी जगह वो ट्रिगर का हो रहा होता तो वहाँ पर नेस्टेड ट्रिगर का नाम हम देते बेनिफिट्स क्या होगा इसके कि जनरेटिंग सम डिराइव्ड कॉलम वैल्यूज ऑटोमेटिकली एनफोर्सिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इवेंट लॉगिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन टेबल एक्सेस ऑडिटिंग सिंक्रोनस रेप्लिकेशन ऑफ टेबल्स इम्पोजिंग सिक्योरिटी ऑथराइजेशंस प्रिवेंटिंग इनवैलिड ट्रांजेक्शंस ओके अब ट्रिगर्स को कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे क्रिएट लिखोगे या फिर रिप्लेस लिखोगे ट्रिगर ट्रिगर का नाम बिफोर आफ्टर इनसाइड ऑफ इंसर्ट और अपडेट और डिलीट ठीक है कहाँ से करना है कॉलम नेम दोगे कहाँ पे करना है किस टेबल का नाम वहाँ पे दोगे और रेफरेंसिंग ओल्ड एज ए न्यू मीन्स जैसे अपन बोलते हैं कोई चीज़ रिप्लेस करते हैं तो किसको रिप्लेस करना है किस से रिप्लेस करना है वो दोनों चीज़ें फॉर हर रो के लिए जब कंडीशन क्या लगेगा डिक्लेयर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बिगिन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट और एंड ये आपका सिंटेक्स हो गया बेसिकली ट्रिगर का ठीक है जहाँ पे जो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर जो है ट्रिगर नाम वो क्रिएट और रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग ट्रिगर वैन अ ट्रिगर नेम सॉरी विद द ट्रिगर नेम बिफोर आफ्टर इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होगा दिस स्पेसिफाइज व्हेन द ट्रिगर विल बी एग्जीक्यूटेड जब वो एग्जीक्यूट होगा द इंस्टेड ऑफ क्लॉज इज यूज फॉर क्रिएटिंग ट्रिगर्स ऑन द व्यू आप देखोगे इसमें और इंसर्ट और अपडेट और डिलीट में क्या करोगे स्पेसिफाइड डीएमएल ऑपरेशन है ही हमारे ठीक है ऑफ कॉलम नेम मीन्स दिस स्पेसिफाइज अ कॉलम नेम दैट विल बी अपडेटेड
on table name मतलब they specify the name on the table associated with the trigger, reference old as और न्यू एज एन मीन्स ज़ीरो टू एन है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस अलाउ यू टू रेफर न्यू एंड ओल्ड वैल्यूज फॉर वेरियस डी एम एल स्टेटमेंट सच एज इंसर्ट अपडेट डिलीट। फॉर ईच रो, हर रो के लिए दिस स्पेसिफाइज अ रो लेवल ट्रिगर, दैट इज द ट्रिगर विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच रो बींग अफेक्टेड, अदरवाइज द ट्रिगर विल बी executed just once when the SQL statement is executed, which is called a table label trigger. One condition, this provides a condition the for rows for which the trigger would fire. This clause is valid only for row level trigger. अब हम example की बात करते हैं कि इसको, जैसे कि टू स्टार्ट विथ वी विल यूज़ कस्टमर्स टेबल, हम कस्टमर टेबल को यूज़ करेंगे जो हमने बनाई हुई है और यूज इसमें देखेंगे कि जैसे आपने आईडी है इस कस्टमर में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल से नेम एज एड्रेस और सैलरी। अब ये जो प्रोग्राम क्रिएट हुआ है रो लेवल ट्रिगर का फॉर द कस्टमर टेबल दैट वुड फायर फॉर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द कस्टमर टेबल, यहाँ पे ट्रिगर डिस्प्ले होगा सैलरी सैलरी डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में। तो क्या कैसे करोगे, देखो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, डिस्प्ले सैलरी चेंजेस बिफोर डिलीटेड और इंसर्ट और अपडेट ऑन डिस्प्ले कस्टमर पे, किस हर रो पे चाहिए मुझे चेंजेस। जब न्यू आईडी इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो डिक्लेयर कर दो कि सैलरी डिफरेंस नंबर, बिगिन कहाँ से करोगे, सैलरी डिफरेंस इक्वल टू न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी, बताना पड़ेगा ना सैलरी का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो डीबीएमएस आउटपुट लाइन ओल्ड सैलरी, डीबीएमएस आउटपुट लाइन न्यू सैलरी, दोनों प्रिंट हो जाएंगे। अब आउटपुट पुट लाइन में क्या कर दोगे, सैलरी डिफरेंस, यहाँ पे आप वो करा दोगे सैलरी का डिफरेंस आ जाएगा, एंड कर दोगे। तो ये जो जो कोड था वो एग्जीक्यूट होगा एक्सेल प्रॉम्प्ट में, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग रिजल्ट। तो यहाँ पे आ गया ट्रिगर क्रिएटेड, ठीक है। अब द कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ओल्ड एंड न्यू रेफरेंसेस आर नॉट अवेलेबल फॉर टेबल लेवल ट्रिगर्स, रादर यू कैन यूज देम फॉर रिकॉर्ड लेवल ट्रिगर्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो क्वेरी है वो टेबल में उसमें सेम ट्रिगर रहे, तो यू शुड यूज आफ्टर कीवर्ड। तो आपको क्या आफ्टर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगर्स कैन क्वेरी द टेबल और चेंज इट अगेन ओनली आफ्टर द इनिशियल चेंजेस, तभी चेंज करेगा जब उसमें इनिशियल चेंजेस अप्लाइड होंगे और द टेबल इज बैक इन ए कंसिस्टेंट स्टेट। तो ये ट्रिगर हुआ है हम आज क्रिएट ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, दिस हैज बीन written in such a way that it will fire before any delete or insert or update operation of the table. But आप कैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपका trigger है वो single या multiple operations का, जैसे कि before delete which will fire whenever a record will be deleted using a delete operation on the table. अब बात करते हैं triggering a trigger की। तो जैसे आप देखोगे कि इसमें सम जो DML operations होते हैं कस्टमर टेबल के, अब इंसर्ट स्टेटमेंट विच विल क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल, तो इंसर्ट इन टू कस्टमर आईडी नेम एज एड्रेस सैलरी, इसकी वैल्यू होगी आईडी ये होगा 7 कीर्ति का 20 एज HP एड्रेस और या सैलरी आ गई, ठीक है 7500। अब जब ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया कस्टमर टेबल में, तो अबव क्रिएट ट्रिगर डिस्प्ले सैलरी चेंजेस विल बी फायर, तो डिस्प्ले सैलरी रिजल्ट क्या फायर हो जाएगा, और वो कैसे डिस्प्ले करेगा, ओल्ड सैलरी न्यू सैलरी सैलरी डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि ये एक नया रिकॉर्ड है इसलिए ओल्ड सैलरी इसमें आई नहीं है, ठीक है। और तो अबव रिजल्ट जो उसमें है नल आएगा आपका। तो लेट अस नाउ परफॉर्म ऑन द मोर DML ऑपरेशंस कस्टमर टेबल अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट मैंने किया जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है हमारे टेबल में, कस्टमर सेट सैलरी सैलरी प्लस 500 जहाँ पे आईडी कितना था 2। तो इसमें देखो आप रिकॉर्ड अपडेट हो गया कस्टमर टेबल का
और इसमें डिस्प्ले सैलरी चेंजेस है, ओल्ड सैलरी 1500 आ गई, न्यू सैलरी 2000, सैलरी डिफरेंस 500, ठीक है। तो ये अपना रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू।